रौनक ईद नाम है इस त्योहार का, जिसमें भूल के सारे शिकवे गिले मिलते हैं गले। मेरे बचपन के दिन। इस बार की ईद कौन कौन एंजॉय कर रहा है? ये सभी एंजॉय कर रहे हैं यकीनन, ये बच्चों की ईद, सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। सब चेहरे खुशियों से निखरते हैं, खूबसूरत फूल जहाँ खिलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कोहिनूर के ब्यूरो चीफ हैं डॉक्टर यासा, मौजूद हैं सर, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद शाह साहब, सर आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मोहब्बत में भी कमी थी, कुछ मोहब्बत में भी कमी थी और कुछ बाहर निकली हुई टमी थी। सबसे ज्यादा रौनक तो ये है कि मेरी चार बेटियां हैं माशाल्लाह और तैयार होती हैं और बाबा के पास आती हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी ईद की खुशी और क्या हो सकती है। कंजूस आदमी नहीं। मैंने कब कहा कि मैं ईदी नहीं दूंगा? अगर दूंगा तो लूंगा भी ईदी। आप ईदी दोगे ना? आबिद लियाकत को अब देश नहीं करना चाहिए, आमिर लियाकत को आप सांस नहीं लेनी चाहिए। रौनक ईद मनाए हमारे साथ सिर्फ कोहिनूर चैनल पे। दम्बा दम्बा मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, हुसैनी लाल कलंदर।